बस्मिल्ल रहीकुम तो दोस्तों स्टेट बैंक की जानब से एक बहुत अच्छी खबर है कि हुकूमत का पाकिस्तान में प्लास्टिक करेंसी मुतारफ़ कराने का फैसला पाकिस्तान में जाली करेंसी की रोकथाम के लिए प्लास्टिक करेंसी लाने का मनसूबा तैयार कर लिया गया है प्लास्टिक करेंसी के पचास रुपये सौ रुपये पाँच सौ रुपये और एक हज़ार रुपये वाले जदीद फीचर्स वाले करेंसी नोट ले जाएंगे पिशावर यूनिवर्सिटी ने प्लास्टिक करेंसी के डिज़ाइन भी तैयार कर लिए हैं मुल्क भर में इस वक्त जाली करेंसी में बेतहाशा इजाफा हो चुका है और मुल्क में जाली करेंसी की रोकथाम के लिए प्लास्टिक करेंसी लाने का मनसूबा तैयार किया गया है जाली करेंसी के खात्मे के लिए नए और जदीद प्लास्टिक करेंसी नोट लाने का प्लान है स्टेट बैंक को काफ़ी अरसे से प्लास्टिक करेंसी लाने का कहा जा रहा था ताकि इससे जो जाली करेंसी है उसका खात्मा हो सके और स्टेट बैंक भी प्लास्टिक करेंसी लाने के लिए काफ़ी अरसे तक काम करता रहा है लेकिन स्टेट बैंक इस पर कोई वाज प्लान नहीं दे सका लेकिन अब पिशावर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स ने नई प्लास्टिक करेंसी का डिज़ाइन तैयार किया है जो कि बहुत उम्दा और जदीद फीचर पर मुश्तम नए करेंसी नोट हैं और इन्हें जाली बनाना भी नामुमकिन है प्लान के तहत पचास रुपये सौ रुपये पाँच सौ रुपए और एक हज़ार रुपये के प्लास्टिक करेंसी नोट लाने का प्लान है और जाली करेंसी को रोकने का ये वैध हल है दोस्तों पाकिस्तान में जाली करेंसी इसी सूरत रुक सकती है कि पाकिस्तान में प्लास्टिक मनी लाई जाए जिसका डुप्लीकेट तैयार करना इंतई नामुमकिन होता है और ये नोट अगर पानी में गिर भी जाए तो ख़राब भी नहीं होते और ये बहुत ज़्यादा अरसे तक चलने वाली करेंसी है इस करेंसी का जो डिज़ाइन तैयार किया गया है वो आप देख सकते हैं ये मुसलसल कई अरसे से कहा जा रहा था लेकिन अब इसका डिज़ाइन तैयार कर लिया गया है और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट बैंक को हुकूमत से मंजूरी लेनी होगी तो दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो कि स्टेट बैंक की तरफ से थी वो आपके साथ शेयर की उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी और आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें क्योंकि हमारे हम अपने इस चैनल पर ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहते हैं आज के लिए इतना ही मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अल्लाह ने के बान